थाने वागरा क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। मंगलवार को जानकारी होने पर समाज के लोगों में आक्रोश फूट गया। हंगामा और नारेबाजी करने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि किसी अराजक तत्व ने प्रतिमा को खंडित किया है। थाना न्यू आगरा लश्करपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। मंगलवार को जानकारी होने पर समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। आसपास के लोगों की भीड़ प्रतिमा के पास पहुंच गई और हंगामा करने लगी। मूर्ति खंडित होने की खबर पर न्यू आगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और बसपा नेता भी पहुंच गए थे। देखिए, आज जगनपुर लश्करपुर में एक प्राचीन बहुत पुराने समय से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई थी और यहाँ चूंकि घनी आबादी है, किसी शरारती या अवांछनीय तत्व ने आकर के रात को उस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया है। इस संदर्भ में स्थानीय लोगों के माध्यम से पुलिस को सूचित किया है, उस व्यक्ति की जांच की जाए और उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। देखिए, यही तो पीछे एक अलग से और गेट है, छोटा गेट जो खुला हुआ है, हो सकता है उसके माध्यम से आया हो। ये जांच का विषय है, पुलिस इसमें पूरी तरह से विवेचना करे, जांच करे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। चूँकि महापुरुषों का अपमान किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं है और ये क्षेत्र पूरी तरह से SC ST का, दलित समाज का बाहुल्य वाला क्षेत्र है। यहाँ के सभी साथी इस बात से को मानते हैं कि आज हमारे महापुरुषों का जो अपमान हुआ है, ये कतई हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। मेरे को जानकारी तो नहीं है, ये संडे की बात है, रात की बात। ये 3 दिन बाद ये खोला गेट, उसके बाद पता पड़ गया। 3 दिन बाद क्यों खोला है गेट? कल खुला नहीं, पानी भरते हैं लोग, सब रिश्ते वगैरह आए थे, अपने अपने घर में लगे हुए थे। तो यहाँ पर सवन लगी है, सवाल बाहर लगी है। गेट आज 3 दिन बाद खुला है? हाँ, 3 दिन 2 दिन बाद खुला है। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा 4 दीवारी के अंदर लगी हुई है। मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था। दूसरी तरफ से छोटे गेट से अंदर पहुंचे अराजक तत्वों ने प्रतिमा को खंडित किया और उसी रास्ते से बाहर निकल गया है। पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी करने के साथ CCTV कैमरों से अराजक तत्वों के करीब पहुंचने का प्रयास कर रही है। खंडित का तो हमें पता नहीं है। यहाँ पे गुरुराम के तहत शनिवार से ही यहाँ पे हलवाई लगा हुआ था। क्या कार्यक्रम था? तेरही कुओं का भंडारा था, तो उसी चक्कर में शनिवार से यहाँ पे इधर भी सामान रखा हुआ था, उधर भी रखा हुआ था। फिर इतवार को यहाँ पर दोनों दूसरे सबने खाना खाया था। हाँ, रात में यहाँ पर लोग भी रहे सोमवार वाले दिन। फिर किसी ने कोई चीज़ का गौर नहीं किया। आज सुबह से लोग कोई लोग घुसा होगा तो किसी ने कहा होगा, अभी आज मूर्ति कैसे हो गई है ऐसी, जब जागे नहीं है सबको हटाया। अब ये तो जानकारी नहीं है किसने कैसे क्या हुआ है। आज गेट खुला है तो लोगों को जानकारी हुई है, तो उन्होंने ये अब कराया लोगों को, तो अब ये मार हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि कल देशव्यापी आंदोलन है ST ST के आरक्षण के विरोध में, उसको दिमाग में रख के प्लानिंग के तहत किसी ने ये करवाया है या खुद किया है माहौल बिहाड़ने के लिए। यही समय मिला था, इससे पहले नहीं हो सकता था, बाद में नहीं हो सकता था। उसे मालूम है कि कल 21 अगस्त है, कल देशव्यापी भारत बंद आंदोलन है SC ST का आरक्षण के विरोध में, इसलिए उसने जानबूझकर किया है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि 2 दिन पहले पड़ोस में एक कार्यक्रम हुआ था, लोगों ने उसी परिसर में बैठकर खाना खाया था। मंगलवार को गेट खोलकर लोग अंदर पहुंचे तो प्रतिमा खंडित मिली। समाज के लोग नई प्रतिमा लगाने के साथ अराजक तत्वों को पकड़ने की मांग पर अड़े हुए थे। इस दौरान भीड़ ने नारेबाजी भी की। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन लोगों को दिया है। CNews के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।